अस्सलाम वालेकुम, क्या चल रहा है? क्यों ऐसा? अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। तो चलिए आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। आज लास्ट रोज़ा है, रमज़ान ख़त्म होने वाला है और बस सब चीज़ें अभी चेंज होंगी। कल से रूटीन भी चेंज होगा और दूसरी बात रमज़ान का भी सब माहौल एकदम से ख़त्म हो जाएगा। और चलो पहले सहरी बनाते हैं, उसके बाद में बात कर। चटनी बना रहे, अली ब्रश कर रहा बेटा, चटनी बना रही है और मैं रोटी का लाई के और मैं रोटी बनाती हूँ। चलो हमारी सहरी बन गई है, अभी ना सहरी कर। आज दोनों बच्चे भी रोज़ा रख रहे हैं, अलमीरा नहीं है आज भी क्योंकि अलमीरा का लास्ट पेपर है आज। मैं चलो जल्दी से अभी सहरी कर दे, आज हमने पराठा नहीं बनाया, आज रोटी बनाए हैं, फटाफट खाते हैं, सहरी का वक्त हो रहा है। देखो सहरी ख़त्म हो गई है, सहरी का वक्त ख़त्म हो गया है, लोग बैठे हैं अभी। हमारे टेबल की कुछ इस तरीके की हालत, हमारा अली को देखो कितनी गर्मी हो रही है आजकल, अब वैसे भी बहुत ज़्यादा गर्म हो ही रहा है। और यहाँ पे हूँ मैं, तो हो गई है हम लोग की सहरी, टाइम भी ख़त्म हो गया है, अभी नमाज का वेट कर रहे हैं, अजान का वेट कर रहे हैं, फिर नमाज पढ़ेंगे और बस रमज़ान ख़त्म हो गया है। मेरे तो सारे व्लॉग पेंडिंग है, अभी 24 रोज़े से लेके अभी तक के पेंडिंग हो गया, जो एडिट हुआ नहीं हुआ, अब सब ईद बाद एक के बाद एक डालूंगी। ईद बाद दो चार दिन व्लॉग ही नहीं बनाऊंगी और वो पूरे सारे व्लॉग डालूंगी, और वो व्लॉग यानी अपलोड करके हो जाएंगे तो उसके बाद में नया व्लॉग बनाएंगे। बच्चों को छुट्टी है, यानी अलमीरा का आज लास्ट पेपर है, आज से उसको 2 महीने की छुट्टी रहेगी। अली को हमारा छुट्टी लग गई है 8 तारीख से, आराम की हमारी स्कूल चल रही है। अभी ईद के बाद में कब जाता है लड़का स्कूल मालूम चलेगा। उसका सब बाकी है, उसकी बुक्स वगैरह सब आ गई है, सब चीज़ उसका बाकी है, अभी ईद बाद अब भी सब उसका करेगी। तो ये महीना उसकी स्कूल रहेगी आई के 30 तारीख तक के, फिर 1 मई से उसको छुट्टी लगेगी, फिर उसको 1 मंथ की छुट्टी रहेगी। बस अब रूटीन डेली का स्टार्ट हो जाएगा, रमज़ान की सारी रूटीन चेंज हो जाएगी और बस एक वो रमज़ान का जो रहता है एकदम माहौल, वो माहौल पूरा ख़त्म हो जाएगा। बाहर भी इतनी रौनक वगैरह थी, हाँ वो सब ये ख़त्म हो जाएंगे। रोज़ अभी डेली रूटीन में सब अपने अपनी लाइफ में और बिजी हो जाएंगे, यानी अब तो डेली रूटीन में तो वैसे भी टाइम नहीं हो पाता है। बस अभी सब कल से रूटीन स्टार्ट हो जाएगी, आज तो बहुत काम है, आज ये बहुत काम है नहीं, डेली का ही हम लोगों का काम है। इफ्तारी तो है वो जो बनानी है, ड्राई फ्रूट में हमारे बादाम का जो पिस्ता कट चुके हैं, काजू कटने के हैं और चारोली भी करने की है, और इलायची नहीं मंगाए ना, इलायची भूल गई मैं वहाँ, इलायची पीस के रखने की है, सब रेडी करके रखेंगे। तो फिर सुबह सुबह मम्मी ड्राई फ्रूट पूरा फ्राई कर लेंगे और फिर दूध आएगा, सेवई बन जाएगी। आज सऊदी में ईद है, यानी गल्फ कंट्री में आज ईद है, तो सबको ईद मुबारक। और बस चलिए अभी जाते हैं, नमाज पढ़ते हैं और फिर सोऊंगी तो नहीं क्योंकि अलमीरा की स्कूल है, अलमीरा स्कूल जाएगी उसके बाद में, वो भी अभी अफजल उठेंगे तो उनके साथ भेज दूंगी, नहीं उठेंगे तो फिर मुझे ही जाना पड़ेगा उसको छोड़ने के लिए। तो बस अभी सुबह का रूटीन स्टार्ट हो चुका है, देखते हैं अभी आगे कैसे क्या है। तो चलिए बाद में मिलते हैं नमाज के। देखो कैसा कि डाइनिंग में कैसे सोया है लड़का, ये देखो। चलो अभी जाती हूँ मैं, नमाज़ पढ़ती हूँ और इन लोगों का वजू नहीं है तो इन लोग अभी इंतज़ार करेंगे क्योंकि अलमीरा है वॉशरूम में, घर में 3 वॉशरूम है लेकिन जाते 1 वॉशरूम में, लोग क्या ही बोलेंगे। देखो अब इन लोग आराम से लोग का वजू करेंगे, आराम से नमाज़ पढ़ेंगे, मैं चली मेरी नमाज़ पढ़ूँ।
ये देखो ये अभी तक पढ़ते बैठी है, सुबह से उठ के रिवाइज कर रही है, नमाज वगैरह सब हो गई, भी बच्चों की सबकी हो गई अभी, और हम सोने गए। अली को भी ज़बरदस्ती सोने भेजी हूँ मैंने, क्योंकि वो बोला था अलमीरा को छोड़ने जाता हूँ, मैं मना करी क्योंकि उसका भी रोज़ा है, फिर आने के बाद ना परेशान करेगा, उससे अच्छा सो जाए वो। तो अभी मैं जाती हूँ, रेडी होती हूँ और फिर अलमीरा को छोड़ने जाती हूँ, और अलमी कर रही है। चलो जाते हैं, अभी अलमीरा को छोड़ के आते हैं। हो गई है, मैं भी रेडी हो गई हूँ, जल्दी से जाके उसको छोड़ के आती हूँ, ताकि अभी मैं उठ गई हूँ, रेडी भी हो गई है, और अभी मैं जा रही हूँ अलमीरा को लेने के लिए। चलो जाके आते हैं, हम आते अभी। ये देखो ये उठ के मैडम कहाँ बैठे है। मैं भी उठ गई, मुझे बहुत ज़्यादा नींद आ रही थी आज, तो मैं अलमीरा को लेके आई, आने के बाद मैं वापस सो गई थी, तो 11:30 को उठी, अब हो गई हूँ फ्रेश, अब जा रही हूँ किचन में। किचन में हम लोगों का कीमा वगैरह सब आ गया है, अब बनाएंगे पेटीज बनाएंगे आज इफ्तारी में, तो उसी की तैयारी करते हैं। बच्चे वहाँ पे सब, आज अलमीरा का लास्ट पेपर था, तो अलमीरा भी फ्री हो गई है, अब उसको इतनी खुशी हो रही है कि वो सोई भी नहीं है। और ये तो दोनों बच्चे भी मोबाइल देख रहे हैं, दोनों के रोज़े हैं। बस रूम का डोर बंद करो ना, ठंडा है अभी। वाटरमेलन भी हमारा आ गया है, अब रमज़ान में तो पूरा वाटरमेलन ही खा के निकाले, क्योंकि वाटरमेलन के सिवा कुछ रमज़ान में। तो आज मेनली गर्मियों में वैसे भी ज़्यादातर वाटरमेलन ही घर में आता है, और रमजान तो पूरा हमने वही खा के निकाले, तो आ गया हमारा वाटरमेलन भी। अभी देखते हैं क्या क्या कर सकती हूँ सुबह सुबह, उतना ही सुबह तो नहीं हो रही है, 12 बज रहे हैं, वो सारा काम अभी कर लेती हूँ। बेडशीट वगैरह रात में भी चाहूँगी, यानी चेंज रात में करूँगी, बाकी रूम हॉल की तो हमारी यही कंडीशन, एक तो सोफ़ा और ये तो यहीं पे रहने वाला है, तो उस दिन तो साफ़ सफ़ाई सारी हो गई है, अब तो कुछ भी ऐसा अच्छा नहीं, अभी किचन का थोड़ा बहुत साफ़ सफ़ाई बची है, तो देखते हैं शाम तक क्या और क्या करने जैसा है। ये किचन में लेके जाते कीमा आया है, और हड्डी आई है, हड्डी हटा देती, कीमा लेके जाती है। आज हमारे किचन में हमारे साथ में देखो कौन है, आज मामी हमारे साथ में, हमें हमारी चारोली भीगी है, काजू बादाम कट गया है, काजू नहीं पिस्ता बादाम, काजू अभी मामी कर रही है, और चारोली भीगा है, ये भी हो जाएगी, और खाना अलमीरा के लिए गरम करने रख दी हूँ, और कीमा आया है, तो अभी पेटीज का करते हैं जाके। अरे भाई चलो, अलमीरा मैडम अब कुछ करने जा रही है, चार्जिंग करके रखिए। हाँ शॉप नंबर 16, ओके चलो अभी हम लोग जा रहे हैं। अलमीरा को एक्चुअली में हेयर कट करने का, आज बहुत टाइम बाद उसने बोली है, तो बस उसका हेयर कट करने जा रहे हैं। आने के बाद भी बहुत कम है, और मम्मी ने इतना खुशबू वाली अगरबत्ती लगा दी है, नहीं क्या वो पूरी अगरबत्ती की स्मेल नीचे। खैर चलो अभी हम लोग जाके आते हैं। अयो कम केमिकल्स करो, ज़्यादा केमिकल करोगे तो अभी हमारा एज कम है, 30 के आसपास रहेगा, 40 तक का या 50 तक का जाओगे ना यू विल स्पॉइल। फाउंडर की कंपनी जो वाइफ को स्किन कैंसर था, स्किन डिजीज थी, पर उसने अपनी वाइफ को ब्यूटीफाई करने के लिए ये प्रोडक्ट्स बनाए थे, ताकि उसकी स्किन पे भी सूट हो, और वहां से ये प्रोडक्ट इन्वेंट हुआ था। इट इज दैट सेफ, लाइक ये कोई डिजीज होगी ना उसको वो लोग भी कर सकते हैं। Yeah, I know.
आ रही आ रही। देखो आ गए हम लोग घर पे, अलमीरा के हेयर कट वगैरह सब करके यहाँ पे मामी लोगों ने वो नए आलू आए हैं क्या सारे यहाँ पे लोगों ने ब्रेड पेटीज भर के रखे हैं। कीमा भी हमारा कीमा बहुत बच गया, ऐसे कैसे तुमने जी। अभी हम लोग और आलू बॉईल करके और कीमा और आलू बॉईल करके हम लोग और कीमा पेटीज बनाते हैं। चलो देखते हैं अभी क्या करने का, अभी आई हूँ घर पे बस। यहाँ पे हमारी असर की नमाज हो गई यार, हम पढ़ रहे हैं। अली की भी असर की नमाज हो गई है। मैं जाती हूँ किचन में, आज मैंने ज़्यादा कुछ की नहीं। आने के बाद मैं मामी अब भी बोले हम लोग बनाते हैं बचा हुआ जो भी था, उसका बॉईल भी मामी की है, उन्होंने मिल के की है। मैं जाती देखती थोड़ा फ्राई करती हूँ और फ्राई तो करूँगी मैं ही, उन लोग नहीं करेंगे। और जूस बनाने का वो भी देखती हूँ और कलिंगर कट करने का। यहाँ पे अलमीरा मैडम हमारे आराम फरमा रहे, सुबह से वो सोई नहीं है स्कूल से आके, अब उसको असर के वक्त में नींद आ गई है। चलो भी अपना अपना काम करते हैं। यहाँ पे लोगों ने सब बना के रखे, देखो मामे तेल गरम करने के लिए भी रख दी हूँ मैंने, और दूध गरम हो रहा है, चाय बनाएंगे। अभी 6 बज गया है क्योंकि, तो अभी अपने पेटीज भी फ्राई करने लेंगे, यहाँ पे चाय भी बनने रखेंगे। आज हम शरबत बना रहे हैं, उसमें पुदीना और जीरा हम पहले क्रश कर लेंगे इसे। ना मम्मी जीरा और पुदीना इस तरीके से क्रश कर लिया, अभी ये इसको छान लेंगे, इसका जो भी क्रश रहेगा वो साइड में हो जाएगा उल्टा, और उसमें नींबू स्क्वीज करेंगे। रुक जा बेटा, रुक जा, बच्चों को क्या ही शौक रहता है सब चीज़ें करने का पता नहीं, ऐसा ही बोल रही हूँ। चलो आज मैंने ग्रीन चटनी भी नहीं बनाई हूँ, यहाँ पे अब भी है, यहाँ पे मैं हूँ अभी बैठ रहा हूँ इफ्तारी करने के लिए, क्योंकि इफ्तारी है और बच्चे अभी अपने बच्चों को ले लेना हो, इफ्तारी का वक्त हो रहा है। कितना बज गया है, 43 हो गया है, और आज की हमारी आखिर इंशाल्लाह अगले साल फिर से रमज़ान आएंगे, और रमज़ान हर रोज़ हम भी रोज़े रखेंगे इंशाल्लाह, सब कुछ वापस से रमज़ान का माहौल होगा। तो रमज़ान अब जा रहे हैं, आखिरी इफ्तारी है, आखिरी दुआएं हैं इफ्तारी के वक्त की, तो चलो अभी जल्दी से बहुत सारी दुआएं करते हैं। वैसे भी ज़्यादा वक्त नहीं बचा है, 10 से 15 मिनट बचे हुए हैं, फटाफट दुआएं सब करते हैं और बस। चलिए अभी सारी, अभी एक और लाइट ऑन करना, पिछली लाइट ऑफ है।
हाँ तो अभी भी आ गई है अभी, और बच्चे भी अभी आ रहे हैं, और अभी हम लोग इफ्तारी करते हैं। हमारी इफ्तार वगैरह सब हो गई है, नमाज वगैरह भी हो गई है, तो चलिए अभी व्लॉग भी एंड करते हैं। रमज़ान भी आज ख़त्म हो रहा है, गंदगी मत करो, जाओ इधर से। तो चलिए अभी और व्लॉग भी एंड करते हैं। अगर आपको हमारे रमज़ान के ये देखो अलमीरा के पप्पा कुछ बोल रहे हैं, अब बोलो अलमीरा के पप्पा खाना खा ले, अलमीरा की मम्मा ने खा ली है, ये बोलने नहीं देंगे, जाना है तो बाद में करेंगे। तो हमारा व्लॉग इफ्तारी वगैरह सब हो गई, तभी मैं व्लॉग की एंडिंग ही ले रही थी, लेकिन उधर और बच्चे उधर मस्ती कर रहे थे तो नहीं हो रहा था मुझे लेने के लिए। अब मैं रूम में आई हूँ, व्लॉग के एंड करते हैं हम लोग। और आप ज़रूर हमारा ये सारे रमज़ान के सारे व्लॉग्स देखना, और आप लोग ने हमें कमेंट करके बताना कि हमारा कौन सा व्लॉग आपको अच्छा लगा, और हमारा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। और ये व्लॉग यहीं पे एंड करते हैं, रमज़ान सीरीज आज से, यानी अभी ईद के बाद से रमज़ान का ये पूरी सीरीज़ ख़त्म हो जाएगी। फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग हम लोग, जब मेरे सारे व्लॉग अपलोड हो जाएंगे ना, उसके बाद में मैं नेक्स्ट व्लॉग बनाना शुरू करूँगी। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ भाई, अब मैं ये व्लॉग एंड करती हूँ। इसके बाद मैं ईद का व्लॉग मैं यहीं से स्टार्ट करूँगी, और ईद का जो भी काम आज करूँगी वो सब यहीं से व्लॉग स्टार्ट कर देंगे हम। बाय, अल्लाह हाफिज़।